1,000 years later. Hello guys, welcome to our YouTube channel. हमारा पहला वीलॉग है और हम आपको पहले ही वीलॉग में लेके चलने वाले हैं गोवा. तो इन दिस वीडियो सेशन वी विल कवर व्हाट ऑल प्लेसेस यू कैन विजिट इन गोवा एंड नाइट लाइफ कैसी है, डे लाइफ कैसी है, कौन से चर्चेज़ वहाँ अच्छे हैं, कौन से सी बीचेस जो हैं वो क्लीन हैं, कौन से नहीं हैं, ब्ला 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 ब्ला. योर FAQs विल कवर ऑल दोस सेक्शंस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. इट्स 10:30 एंड वी हैव रीच्ड द गोवा एयरपोर्ट. अभी तक तो अंदर तो ठंडा है, बाकी बाहर देख के पता लगेगा कि गर्मी कैसी है. कैप्टन ने बोला बरसात हो रही है, तो चेक करते हैं बरसात है कि नहीं. Hi guys, I took my luggage and I'm waiting for my friend Mohammad Tanvir Shamshir, ex-KPMG, currently working at Deloitte. So, देखते हैं कब पहुंचता है, कौन से कन्वेयर बेल्ट यूज़ करने के लिए. ये आ गया है फाइनली मोहम्मद तनवीर शमशेर, ex-KPMG, Deloitte. मॉर्निंग गाइस, डे वन. हम रात को 12 बजे पहुंचे थे. आप देख सकते हैं पूरा सी है. The view is very beautiful from here. अभी मैं फ़ोटोज़ वगैरह इसके आगे अपलोड करूँगा. बाकी हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे. सो आई विल सी यू गाइस जब मैं जर्नी स्टार्ट करता हूँ. आई विल गाइड यू क्या क्या चल रहा है. सो गाइस, दिस इज़ द गेस्ट हाउस वेयर वी आर स्टेइंग. अरे सो गाइस, ये भाई बहुत शर्माता है कैमरे से, मोहम्मद तनवीर शमशेर. सो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया गाइस एंड दिस इज द व्यू. ये देखिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, काफी पीसफुल है. अब मैं जा रहा हूँ कार लेने और गाड़ी लेके फिर आते हैं. सी यू. ये आदमी बहुत शर्माता है, कैमरे से हमेशा दूर भागता है, पता नहीं क्यों. हेलो गाइस, हो चुकी है शाम और हम पहुंच गए हैं ग्रैंड मदर्स होल बीच पे. अब नाम सुन के ये मत सोचना कि बहुत डर्टी मीनिंग है. हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप नीचे लिंक पे देख लेना, हम पूरा विकिपीडिया का लिंक चिपका रहे हैं, ठीक है. बीच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये मेरा फ्रेंड है पीछे, तनवीर. ये रहा मोहम्मद तनवीर शमशेर. तो बीच इज़ प्रिटी ब्यूटीफुल. अभी थोड़ा क्लाउडी हो रखा है, इस वजह से सनसेट हमें दिख नहीं रहा है. हम आए तो सनसेट सोच के थे कि सनसेट देखने को मिलेगा, बट क्लाउड्स की वजह से सनसेट दिखेगा नहीं. सो आई विल शेयर द वीडियो. इसके बाद एक प्रॉपर वीडियो आगे रहेगी. डू वॉच इट. सो इट्स एंड ऑफ डे वन एंड आज हम ज़्यादा घूम नहीं पाए. आज हम गए थे ग्रैंड मदर्स होल बीच, विच इज़ एक्चुअली अ हिडन ट्रेजर. कोई वहाँ जाता नहीं है, बहुत कम लोग थे वहाँ पे. तो इट वाज अ गुड प्लेस. एंड उसके बाद हम आए हैं जोएट्स बार एंड रेस्टोरेंट, विच इज़ दिस वन. This place is in Bogmalo Beach and it's a beautiful place. Beaches तो क्या सारे ही beautiful हैं, क्या बोलें. तो this one's clean. सुबह के time आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा. बाकी यहाँ sand जो है वो ग्रैंड मदर्स होल से ज़्यादा बेटर है. सो गाइज, दिस इज़ दी एंड ऑफ डे वन. कल हम लोग नॉर्थ गोवा जाएंगे. प्रॉबली विल बी गोइंग टू कैलंग्यू एंड बागा बीच. और उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें हैं सोच रखी हैं, अभी फाइनलाइज नहीं करी है, फाइनलाइज करेंगे. We'll see you guys tomorrow. Thank you. Good morning, friends. Today is the second day of my trip. और ये morning में video इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे cruise आ चुके हैं. अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, एक second. जल्दी जल्दी चलते हैं. एक ये वाला है और एक ये वाला है. दो क्रूज लग चुके हैं.
अब हम इस क्रूज में पार्टी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चेन्नई जाते हैं, पता नहीं चेन्नई जाते हैं कहाँ जाते हैं, तो मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस क्रूज है। ऑल्दो कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। Good morning guys, day 2 and we have come to Fontenas in Goa. Fontenas या Fontenas जो भी है, pronunciation का link मैं नीचे add कर दूंगा. It is very difficult. Konkan कुछ अलग way में बोलते हैं और पोर्चुगीज थोड़ा एक्सेंट होगा, ठीक है? तो इसके पीछे आई विल ऐड द वीडियोज़। ऑल्दो यहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह चल रही है तो यू शुड नॉट कम राइट नाउ। वैसे ही अगर यहाँ पे आना है तो मतलब इतना कुछ यहाँ पे देखने के लिए नहीं है, यहाँ पे बस पोर्चुगीज स्टाइल के विलाज हैं वो बहुत प्यारे हैं, कुछ ग्रीन रेड एंड ब्लू कलर के भी हैं, तो दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। बट अभी आना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन बिकॉज अभी यहाँ पे ड्रिलिंग एक्टिविटी चल रही है, ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं। दूसरी चीज ये है हमारी चर्च, इसके भी हमने 2-3 शॉट्स लिए हैं, इट्स ब्यूटीफुल। कैमरामैन प्लीज जूम कर दीजिए। हाँ जी, सो इसके बाद हम चलने वाले हैं पंजिम चर्च। पंजिम चर्च में मिलते हैं सर, सी यू गाइस। दिस इज द कंस्ट्रक्शन वर्क विच इज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। एंड गाइज, अगर आप हनीमून पे आए हो तो कैमरामैन को लेके यहाँ ज़रूर आना क्योंकि यू विल बी गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल शॉट्स हियर। Hi guys, good evening. We are here at Three Kings Kansauli Church. This is the church. ये बहुत ज़्यादा height पे है तो यहाँ पे पहुँचने में time लगता है. This is the couple जिनकी reception पे मैं आया हूँ गोवा. His name is Anoop और ये है Charmi. कहाँ गई? अरे ये रही. Charmi हमारी junior थी, Anoop हमारे batch का था. इनका नैन मटक्का कब हुआ हमें भी नहीं पता. So Anoop, tell us something about this church, bro. Okay, so basically this church is pretty old. It's been there since, you know, the Portuguese era. It's called as Three Kings, probably related to the stars out there. There are three stars. And this has got a lot of mythological, you know, rumors that's haunted and all. So basically it runs like that. It's a beautiful view. If you can come here, you can see the sun setting onto the beach. If Sadhu could just show the view, as of now it's not become sunset. बाकी गाइस हम लोग आपको सनसेट वगैरह अच्छे से दिखाएंगे जब सनसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हुआ नहीं है। थैंक यू गाइस, बाय बाय। सो गुड इवनिंग गाइस, वी आर हियर एट अ बीच जो लोगों ने नहीं देखा होगा। द नेम ऑफ द बीच इज कंसौली बीच, साउथ गोवा, बहुत सुंदर। ऑल्दो आपको यहाँ पे क्राउड ज्यादा नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो खाली है, बहुत कम लोग आते हैं। मेजॉरिटी यहाँ लोकल्स मिलेंगे या रशियंस मिलेंगे आपको। द
ब्यूटी ऑफ दिस बीच इज कि ये बहुत ही ज्यादा क्लीन पानी है, बहुत सुंदर है, इट्स वेरी क्लीन। यहाँ पे लिटरली मुझे अभी क्रैब्स दिखे हैं, विच इज वेरी वियर्ड, और इतने इतने से छोटे छोटे से दिखे हैं। तो इट्स प्रिटी ब्यूटिफुल, जब भी गोवा आओ यू शुड विजिट दिस प्लेस, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। मैं अभी आगे वीडियोज और डाल रहा हूँ, मतलब फ्रंट कैमरा से लेकर डालूंगा, वॉच दिस। वेरी क्लीन, मतलब मैं अभी बागा बीच गया था, बहुत बकवास था, कैलंगुट भी इतना अच्छा नहीं था जितना सुंदर ये है। वेरी क्लीन वाटर, वेरी वेरी क्लीन वाटर। ये देखो सी शेल, आई मीन व्हेनेवर यू गाइस कम टू गोवा यू शुड कम हियर, बहुत ही सुंदर बीच है यार, और इतना क्लीन अभी तक मैंने कोई बीच नहीं देखा है। एंड दिस इज आवर लवली कपल जिसके रिसेप्शन में मैं आया हूँ। Watch the sand, you'll see the reflection of the sun. अभी आ नहीं रहा है properly, जैसे ही आता है I'll show you guys. See, this is so peaceful and so beautiful and so clean कि पूरा reflection ऊपर का दिखेगा और ये किसी बीच पे नहीं मिलने वाला, भूल जाओ। पानी आ गया फिर से। क्रैब, हाँ ये देखा भागा भाई, ये है ब्यूटी इस जगह की। कहाँ गया भाई, ये देखो देख रहा हूँ भाई, भाई नहीं नहीं जानवर डिस्टर्ब नहीं करते हैं ज्यादा, देख लेते हैं क्लोजअप में। हाँ बेटे तू ही है। टुडे वी विल बी गोइंग टू साउथ के कुछ कुछ बीचेस जहाँ पे मतलब यूजुअली लोग नहीं जाते हैं, अनूप ने बोला है कुछ थोड़े दूर दूर हैं तो वहाँ आज हम जाने वाले हैं। उससे पहले हम जाएंगे मस्जिद, क्योंकि मेरे साथ मोहम्मद तनवीर शमशेर और अहमद वसीम नुमानी हैं और उन दोनों को मस्जिद जाना है आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। तो अभी हम मस्जिद जा रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे बीच पे। सी यू गाइस। इट्स इवनिंग, वी आर एट कनागिनी बीच। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बीच। यूजली लोग यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि ये साउथ गोवा से भी काफी दूर है, मतलब है तो साउथ गोवा में ही बट साउथ गोवा के मेन एरिया में नहीं है, साउथ गोवा से बहुत दूर है। और हाँ बड़ा वाला जो डब्लू है जिसके नीचे पैसा छुपाया था वो डब्लू भी यहीं पे ही है। बाकी नीचे चलते हैं एक बार, अभी यहाँ से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि इट्स वेरी पीसफुल, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। अब यहाँ पे सनसेट बहुत ब्यूटीफुल होता है, गोवा के जो लोकल लोग हैं उन्होंने हमें बताया है, लोकल लोग एक ही है, यही है वो लोकल आदमी जो बियर पी रहा है, इसने हमें बताया है कि यहाँ पे जो सनसेट है वो बहुत सुंदर होता है। बाकी ओवर टू यू ब्रो। माय गॉड हाउ इज इट। नहीं नहीं यू जस्ट स्पीक। सो बेसिकली फ्रॉम द टाइम आई हैव कम हियर देयर यूज्ड टू बी नो वन आउट हियर, जस्ट टू बी मी एंड माय एक्स गर्लफ्रेंड, there should be not a soul out here. Now I'm married with my new girl and the new girl is like, you know, probably going that side watching the scenes. There's nothing, but now it's totally developed, it's totally changed. It's an amazing spot on a cliff view like, and from here if you start walking you can actually enter the small Sajau beach which has got very few crowd. It's an amazing spot and yeah. Very less people know about yes. It because it's a very secluded place, only local people know it. बाकी मैं क्लिप्स वगैरह का वीडियो एक बार डालने वाला हूँ और सनसेट का भी मैं एक टाइम लैप्स डालूंगा, सो डू वॉच इट गाइस। चार्मी हेलो या सो गाइस दिस इज द बीच, इट्स अ क्लिफ बेसिकली जहाँ हम खड़े हो रखे हैं। क्लिफ से नीचे गए तो टाइम लग जाएगा,
और सनसेट मिस हो जाएगा। दैट्स द एक्चुअल बीच। इसके लिए बहुत वॉक करके जाना पड़ेगा नीचे, और हम मोटे हो चुके हैं तो इसलिए अभी नहीं जाएंगे। मैंने टाइम लैप्स पे दूसरा फ़ोन लगाया, मैं इसको भी टाइम लैप्स पे लगाने वाला हूँ। यू कैन सी द सनसेट देयर, बट इट्स ब्यूटीफुल। पानी कुछ ज़्यादा ही ब्लू है आज, ब्लू है पानी पानी पानी। एंड ये लव बर्ड्स लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। अरे मतलब वही बातचीत करने में लगे हुए हैं, ऐसे क्लियरली बोलो, बातचीत करने में लगे हुए हैं। फोटो लेना था भाई, अच्छा आता। या ब्रो, ब्रो दैट पोज अगेन। अरे नहीं, हो गया हो गया। लेट द सन कम लिटिल मोर डाउन रे, सिटिंग ऑन द हम आ चुके हैं नीचे। थोड़ा डर लग रहा था नीचे आते हुए क्योंकि पहाड़ी बहुत ज़्यादा है, बट हम फाइनली नीचे आ ही गए। दूसरा फ़ोन मैंने टाइम लैप्स पे लगा दिया है तो आपको टाइम लैप्स तो मिल ही जाएगा, बट दिस इज़ द व्यू ऑफ द बीच, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसकी लोकेशन भी मैं डालूंगा नीचे लिंक में, और डेफिनेटली यू शुड विजिट दिस प्लेस वेन एवर यू कम टू गोवा, बिकॉज ये जगह ना यार, ऑल्दो थोड़ा सा दूर है गोवा से, बट ये है बहुत सुंदर। मतलब गोवा वालों के बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि यहाँ का जो सनसेट है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। नॉर्थ गोवा जाओगे तो आपको भीड़ भड़का पार्टी वगैरह ये सब मिलेगा। वहाँ भी गए थे, हमें मज़ा नहीं आया था क्योंकि बीचेस बहुत गंदे थे। यहाँ बीचेस बहुत साफ़ है साउथ गोवा में। वारका बीच आप जा सकते हो, कंसोलियम बीच आप जा सकते हो। कंसोलियम बीच कोई जाता नहीं, वारका गए थे हमारे ऑफिस में एक हैं मिस वैशाली गुप्ता, उन्होंने हमें बताया था कि वारका बीच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो हम वहाँ भी गए थे। ऑल्दो हम उसकी पिक्चर्स वगैरह नहीं ले पाए क्योंकि उस टाइम पे सनसेट हो चुका था। देन वी थॉट कि यार क्या पिक्चर्स वगैरह लेनी है अभी, बट साउथ गोवा के बीचेस बहुत सुंदर हैं। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ बहुत कम लोग मिलेंगे, जितने भी हैं सारे लोकल्स ही हैं क्योंकि इनके पास गोवा की वो वाइट कलर की प्लेट थी, नंबर प्लेट। और यहाँ पर थोड़े से रशियंस वगैरह भी हैं ये जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। मैं जूम करके नहीं दिखा सकता, छिछोरापन लगेगा। नाउ आई विल शेयर द वीडियोज ऑफ द बीच, यू कैन सी इट।